हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जिलिंद द टेक चैनल। जी हाँ दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरा चैनल जिलिंद द टेक चैनल में। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ नोकिया 6। नोकिया ने कुछ देर ही सही, लेकिन नोकिया 6 को लेकर के बहुत ही बड़ी धमाकेदार एंट्री के साथ में मार्केट में एंट्री किया है। और ये है नोकिया 6, नोकिया का एंड्रॉयड फोन। आज मैं बात करने वाला हूँ नोकिया 6 के बारे में, तो आइए देखते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये इंडिया में अभी नहीं मिल रही है, ये सिर्फ चाइना में मिल रही है और चाइना में लॉन्च हुआ है ये। जी हाँ, JD.com चाइनीज एक वेबसाइट है, JD.com, उसी वेबसाइट से आप इसको परचेस कर सकते हो, लेकिन फिलहाल तो ये चाइना के लिए है। और साथ में इसका प्राइस जो चाइना में है 1699 रुपये चीनी युआन, इससे अगर कन्वर्ट किया जाए इंडियन रुपीज़ में तो ये लगभग 16700 से 16800 के करीब आएगी। अब आइए इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, इसके कुछ खास फीचर्स हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यह है एंड्रॉयड नोगट यानी कि 7.0 वर्जन है एंड्रॉयड का, 5.5 इंच फुल एचडी डिस्प्ले के साथ में, 1080x1920 पिक्सल के साथ में, 401 PPI। अब आइए इसका प्रोसेसर का बात करते हैं। इसका प्रोसेसर है ओक्टा कोर 1.4 GHz कोटेक्स A53। इसकी एक और खास बात है, इसमें डॉल्बी एटमॉस का फीचर दिया हुआ है, जो कि मूवी देखते वक्त बहुत ही ज़्यादा, मूवी या म्यूजिक या वीडियो सॉन्ग कुछ भी आप जब सुनते हो या देखते हो तो उस वक्त एक बहुत ही अच्छा एंजॉय एंटरटेन आपको करने वाला है। साथ में एड्रेनो 505 की ग्राफिक्स दी हुई है और रैम 4GB की रैम दी हुई है, बहुत ही अच्छी बात है 4GB का रैम जो है, और 64GB की इंटरनल मेमोरी है। एक्सपांड आप इसको कर सकते हैं 128GB तक की, OTG सपोर्ट है ही, 16MP प्राइमरी कैमरा और 8MP फ्रंट कैमरा, और इसकी जो बैटरी है वो 3000mAh की बैटरी है, और साथ में है फिंगरप्रिंट का स्कैनर। इसका फिंगरप्रिंट का जो स्कैनर है वो सामने में होम बटन के साथ में दिया हुआ है, और इसका बॉडी का डिजाइन जो है वो काफ़ी बेहतर है। कंपनी का दावा है इसको बनाने में 8 घंटे से ज़्यादा लगते हैं इसके बॉडी को। अब तो ये हैंडसेट हाथ में आने के बाद से ही पता चलेगा कि कंपनी ने 8 घंटे मेहनत करके आखिर क्या बनाया है, क्या कस्टमर्स को क्या हाथ में दिया है, तो वो आने के बाद देखते हैं। अगर इसको प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो जैसा इसका प्राइस है 17,000 के करीब में, तो 17,000 के करीब में अगर साउमी को देख लिया जाए या फिर किसी और को देख लिया जाए तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसके कॉन्फिगरेशन ज़्यादा होने चाहिए थे, या तो फिर इसका जो कि प्राइस थोड़ा सा कम होना चाहिए था। अगर ब्रांड के हिसाब से देखा जाए फिर इसमें क्या कह सकते हैं, क्योंकि नोकिया तो बस नोकिया है। और दोस्तों, जैसे ही ये हैंडसेट मार्केट में आती है तो इसको अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाई जाएगी, तो तब तक के लिए तो आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जाके टाइप कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, याद रहे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार एक नई वीडियो नई टेक लेकर के आपके सामने आता हूँ, तब तक के लिए अलविदा।